नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश न्यूज और मैं हूँ आपके साथ मंदीप कैटन। इस समय हमारे साथ मौजूद है श्रीमती सुनीता जी, जो कि लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। आइए उनसे जानते हैं कि वो किन मुद्दों को लेकर लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। मैम, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप किन मुद्दों को लेकर इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? सर, मैं ये कहना मुद्दा मेरा रहेगा, जो बुढ़ापा पेंशन है वो बाकी स्टेट के हिसाब से यहाँ पे तो हजार रुपये में दी जा रही है, बल्कि मैं 100 रुपये देने के हिसाब से 100 रुपये देने के हिसाब से शुरू करने की कोशिश करूँगी। और दूसरा मुद्दा रहेगा कि जो शहर का दायरा बनाने की कोशिश करेंगे, शहर का विस्तार छत्तीसगढ़ के हिसाब से, जैसे डॉक्टरिंग ग्राउंड इनकी जो फीस ले जाती है हर मंथली, इसको बंद करने की कोशिश करेंगे। और जो लीडी की दर तक है इसको खत्म करेंगे। एंड जो 1 जनवरी 2019 से जो भी सैलरी में बच्चे हैं उनकी स्नातक की पढ़ाई वो फली की जाएगी। तो आपका चुनाव चाहिए त्रिभुज है, त्रिभुज ही क्यों है? इसलिए तो बड़ा सर, आप कुछ बताना चाहेंगे? चुनाव के लिए आपने त्रिभुज रखा है, तो त्रिभुज बेसिकली सर ऐसा है, हमें ना 3 ऑप्शन मिली थी, 3 ऑप्शंस में हमने चूज किया था, इनकी एक ट्रायंगल और एक ट्यूबलाइट। और ट्रायंगल ही हमारे पास आया जी, ड्रॉ के हिसाब से फर्स्ट प्रेफरेंस कोई और ले चुके थे, दैट्स व्हाई इट्स ट्रायंगल। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। सर, आपका नाम? मेरा नाम भगवान दास है जी, मैं मैडम का हस्बैंड। पहली तो ये है जी, जो कंडीशन है 25 साल उम्र होनी चाहिए, ये नहीं लड़ सकती थी। दूसरा ये है कि जी, हमारा चंडीगढ़ का जो रैंक था खूबसूरती के हिसाब से, सफाई के हिसाब से हमेशा नंबर 1 रहा। इस बार हमारे देश, हमारे जो भी एमपी जी रहे हैं, जो भी रहे हैं, मैं बुरी बात नहीं बोलना चाहूँगा उनके सामने, वो आप सब लोगों को पता है, वी आर नॉट इन टॉप 10 राइट। दैट्स व्हाई शहर के लिए आगे किसी ना किसी को तो आना ही पड़ेगा। सर, अब सीधी सी बात है जी, हम एक परिवार में रहते हैं, जब हमें एक कमरा छोटा पड़ जाता है ना जी, उसको बढ़ाने लोगों की जरूरतों के हिसाब से हमें 1-2 कमरे और बढ़ाने पड़ते हैं और जगह भी लेनी पड़ती है। हमारा जब ये शहर प्लान हुआ था बसने के लिए, बहुत पुराना जवाहरलाल नेहरू जी ने प्लानिंग की थी इसको बसाने की, और ये बसाया गया, बहुत अच्छा बसाया गया। ये सिर्फ 5 लाख लोगों के लिए बसाया गया था जी, अब 12 लाख लोग हो गए हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि कचरे का ढेर इकट्ठा हो गया, पूरा का पूरा पहाड़ बन गया है। जो डड्डू माजरा कॉलोनी में एक छोटा सा ग्राउंड हुआ करता था, अब वो डंपिंग ग्राउंड के नाम से जाना जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि वो पहाड़ ही दिखता है, पास जाके पता लगता है कि वो कूड़े का। ऐसी चीजों से निपटने के लिए जगह तो चाहिए थी। डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, जिसमें चंडीगढ़ के जो सेक्टर 45 है मुंडैल, और सेक्टर 46 है राम दरबार कॉलोनी है, इस एरिया में हम डोर टू डोर जा पाए हैं। बाकी कुछ हमारे लिंक्स हैं फोन पे, सोशल मीडिया पे, वो पूरे चंडीगढ़ में हैं, तो उन सबसे वैसे हमने खर्चा तो क्या था सर, 25-30 हजार रुपए आ गया, जो 1 महीने में हम कमाते हैं। वो है कि 5 साल में मेला आता है, मनाना चाहिए, मेरा ये मानना। सर, पहला मुद्दा मेरा ये रहेगा, जो ये बुढ़ापा पेंशन है 100 रुपए देने के हिसाब से शुरू करवाने की कोशिश करेंगे। और दूसरा है सर, ये जो शहर को अगर आप मुझे कराने के लिए हर कश में कोने पे मतलब
नारियों की सुरक्षा के लिए उसका इंतजाम किए जा रहे हैं और कुछ नारियों के इंतजाम के लिए नारियों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए? सर ये इसीलिए आ रहा था सीसीटीवी कैमरे वगैरह जैसे जेंट्स की मैचिंग वगैरह होते हैं जो भी होते हैं लेडीज के साथ मैं यहाँ करते गली के निकलते तो लग गए। तो कोई अंदाजा तो इतना खर्चा आ सकता कोई फिर भी आइडिया लगाया होगा आपने सर आपके हिसाब से? खर्चा तो सर कोई ज़्यादा नहीं है, अगर ज़्यादा खर्चा होता भी है तो हम पुलिस को भी बना के दिए जाएंगे हेडक्वार्टर्स, वहाँ बैठेंगे मॉनिटरिंग करेंगे, जहाँ पे भी कुछ अप्रिय लगेगा वहाँ पे एट अ टाइम पुलिस पहुँचेगी। सर ये हम एक बदलाव लाने के लिए आए हैं पुलिस में, अगर कोई बदलाव चाहेगा तो हम इनको सपोर्ट करेगा, अगर कोई सपोर्ट करेगा तो हम भी उनका ऐसा है जी पॉलिटिक्स में ना मैक्सिमम आज तक बिजनेस देखा गया है, जो भी पॉलिटिशियन है जितना उसने पैसा लगाया उतने की उसने रिकवरी की, हमने इसके अंदर पैसा इन्वॉल्व नहीं किया है और ना ही करेंगे, सो दैट हमारे पास रिकवरी का भी कोई चांस नहीं है, हम काम करेंगे। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।